हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी किचन में। आज हम बनाना सीख रहे हैं मैक्सिकन सॉस बहुत ही इजी वे में। इस सॉस को आप यूज़ कर सकते हो पास्तास, पिज़्ज़ास, लज़ानिया, टॉर्टियास, टाकोस या किसी में भी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक पैन को गरम कर उसमें 4 छोटे चम्मच तेल के ऐड करने हैं। हम यूज़ कर रहे हैं ऑलिव ऑयल, आप रेगुलर वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमें ऐड करने हैं 2 बड़े चम्मच लहसुन और 2 बड़े चम्मच ऑनियन। अगर आप नहीं खाते हैं लहसुन और प्याज तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसे सॉटे करना है 2 मिनट के लिए। फिर हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ कोरिएंडर। हमने यहाँ पे धनिया डाला है, अगर आपको सेलरी मिले तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें ऐड करने हैं 2 बड़े कटोरे टमाटो प्यूरी की। आप टमाटो को ब्लांच कर ग्राइंड कर पेस्ट बनाकर इसमें डाल सकते हैं। दोनों कटोरे डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हम डालना चालू करेंगे हमारे मसाले। ये है हमारी मिर्ची का पेस्ट। हमने कश्मीरी मिर्ची को गर्म पानी में 5 मिनट भिगोकर उसे पीस लिया है हल्का सा पानी डालकर। ये आपका चिली पेस्ट रेडी है। फिर हम ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। फिर हमें ऐड करना है 1 छोटा चम्मच ऑरिगैनो। उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच चीनी के, जिससे हमारी मिर्ची बैलेंस हो। फिर 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और अच्छी तरह से सारे मिला लेंगे, जिससे मसाला कहीं एक जगह ना अटक जाए। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे 4 छोटे चम्मच और मिला लेंगे फिर से, और हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। ये हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है, उबल गया है और ये हमारी सॉस रेडी है। आप इसे पिज़्ज़ा, पास्ता, लज़ानिया या किसी भी डिश में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।